न्यूज नेशन भी बॉर्डर पर पहुंचा और जवानों के साथ दिवाली मनाई। बॉर्डर पर हर तरह की चुनौतियों से लड़ते जवानों का जश्न आप भी देखिए। बॉर्डर पर जाबाजों की जिंदा दल दिवाली, जिनके जोश में चमक है और इरादों में बारूदी दम, जिनके लबों पर भक्ति है और बाजुओं में शक्ति, जो है देश की आन बान और शान, जिनकी धड़कन से भी कांपता है पाकिस्तान। ये है देश की सरहद पर जाबाजों की जगमग दिवाली। इस समय बीएसएफ के जवान बॉर्डर पर दिवाली मना रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बकायदा पटाखे जो हैं वो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, अनार यहाँ पर चलाए जा रहे हैं और फुलझड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर चलाई जा रही हैं और अपने जो खुशी है उसका इजहार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। पूरे जोश के साथ सीमा पर बीएसएफ के जवान कुछ इसी अंदाज में दिवाली मना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि घर की याद नहीं आती, कोई भाइयों को याद करता है तो कोई अपनी छोटी सी मासूम बच्ची को, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का जज्बा कहीं बड़ा है। बड़ा अच्छा लग रहा है इनके साथ दिवाली मनाते हुए, जैसे हम अपने परिवार में खुश होते हैं ऐसी हमें यहाँ खुशी है। कोई लेकिन दिवाली का मौका जब होता है तो घर वालों की बहुत याद आती है और खास तौर पर जब पटाखे चलाते हैं तो किस किस की आपको इस समय याद आ रही है? मेरे भाई हैं, भाइयों के साथ में बचपन में जो दिवालियां मनाते थे तो बड़े फटाके चलाते थे हम लोग। इसकी याद आ रही है, किसकी याद? मुझे सबसे ज्यादा मेरी बच्ची की याद आ रही है जो 4 साल की है। उसको ज्यादा मिस कर रही हूँ। वो उसके साथ, अगर आप होते तो उसके साथ ही दिवाली मनाते? हाँ सर, मैं उसके साथ ही दिवाली मनाती घर में होती तो। ये है बीएसएफ की महिला जवान, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब ये जो बीएसएफ की महिला जवान जो है वो बॉर्डर पर तैनात होती है और आप समझ सकते हैं कि इनके परिवार घर पे है, इनके बच्चे घर पे है, लेकिन बावजूद इसके ये हमारे लिए और आपके लिए यहाँ पर बॉर्डर पर तैनात हैं। लेकिन चमकदार रोशनी और जोशीले गीतों और टिमटिमाते दियों के बीच ये जाबाज कुछ याद रखते हैं तो वो है अपना कर्तव्य और देश की रक्षा का प्राण। बीच से बहुत से जवान बैठे हैं, ड्यूटी में बैठे हैं, डिफेंस में बैठे हैं, तभी तो इतने हमारा पूरा देश दीपावली का फेस्टिवल को मना रहा है। घर वाले घर पे हैं, आप लोग यहाँ पे हैं, मिस करते हैं घर वालों को? घर वाले क्यों, कौन ऐसा इंसान है जो मिस नहीं करेगा? हर आदमी को दिल में ये लगता है कि मैं अपने बीवी बच्चों से बात करूं, उनके साथ में रहे। लेकिन देश पहले, देश फर्स्टली देश है, तभी हम यहाँ खड़े हैं। और अब थिरकते जाबाजों की एक और तस्वीर देखिए। दिवाली का ये सेलिब्रेशन जोश से लबरेज है। पुंछ जिले में देश की सरहद की रक्षा करने वाले बीएसएफ के जवानों की ऊर्जा देखते ही बनती है। दिवाली का ये सेलिब्रेशन पूरे देश का है, जो बता रहा है कि सीमा पर हालात दुश्मन ने चाहे जितने भी बिगाड़ने की कोशिश की हो, लेकिन हमारे जाबाज इस जोश और जज्बे के साथ उसे खाक में मिला देने का मादा रखते हैं। पुंछ से लेकर जम्मू तक बीएसएफ के ये जवान भरोसा देते हैं कि देश निश्चिंत रहे, क्योंकि इनके दम पर है देश की दिवाली। इन जाबाजों के हौसलों से उत्सव है और इनके सीमा पर डटे होने का मतलब है देश की रक्षा की गारंटी। जो बीएसएफ के जवान हैं वो यहाँ पर दिए जो हैं वो यहाँ पर जला रहे हैं और कि ये दिए जलाकर पाकिस्तान को भी यही बोलने का मकसद है कि शांति जो है वो भारत यहाँ पर चाहता है, लेकिन अगर यहाँ पर पाकिस्तान किसी भी तरह की कोई हरकत करता है या फिर हमारे खिलाफ कोई साजिश रचता है तो उसको ये बीएसएफ के जवान माफ नहीं करेंगे और करारा जवाब जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। तो दिवाली का जश्न पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने किस अंदाज में दिवाली मनाई ये भी आपको दिखाते हैं। देश आज दिवाली मना रहा है और बॉर्डर पर हमारे जवान किस तरीके से दिवाली मना रहे हैं वो आप यहाँ पर तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं। इस समय हमारे जवान जो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिए जला रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो दिवाली को लेकर पूजा अर्चना होती है उसकी शुरुआत भी यहाँ पर होने जा रही है। दरअसल ये जो सारे आप जवान देख रहे हैं ये अपने घरों से दूर यहाँ पर बॉर्डर पर रहते हैं और दीपावली के मौके पर
भी इन लोगों को मौका नहीं मिलता अपने घर जाने का, लेकिन यहाँ पर ये जो सारे जवान इकट्ठा होते हैं देश के अलग अलग जगहों से, वो इस पूरे यहाँ पर इसको एक परिवार की तरह अपने जो कंपनी है उसको यहाँ पर समझते हैं और यहाँ पर वो लगातार जो मिलके यहाँ पर दिवाली जो है वो मनाते हैं। जरूर यहाँ पर लगातार जो पाकिस्तान का है वो खतरा बना रहता है, लेकिन कुछ पल ये लोग यहाँ पर निकालते हैं और लगातार दिवाली जो है वो यहाँ पर मनाते रहते हैं। कुछ महिला जवान है उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आज घर से दूर है और दिवाली कैसा लग रहा है? देश के लिए आपके लोग कितने समर्पित है, किस तरीके से आप लगातार यहाँ पर देश की रक्षा करते रहते हैं? सर, हम तो अपना भाग्य मानते हैं जो हमें देश की सेवा करने का मौका मिला। तो आज किस तरीके से दिवाली मनाएंगे यहाँ पर, अपने सारे जो ये मित्र हैं इन लोगों के साथ किस तरीके से दिवाली मनाने वाले हैं? इनके साथ जैसे घर परिवार में जैसे सभी के साथ मनाते वैसे ही मनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये है यहाँ पर BSF के जवान जो यहाँ पर इस समय दिए जो है वो जला रहे हैं। कुछ देर के बाद यहाँ पर पूजा होने वाली है और उसके बाद दिवाली भी मनाई जाएगी, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो BSF के जवान हैं वो अपने परिवारों से दूर हैं, लेकिन वो यहाँ पर दिवाली जो है वो लगातार मना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, इंटरनेशनल बॉर्डर, जम्मू। तो दिवाली के मौके पर जवानों ने पटाखे जलाकर दिवाली मनाई। हमारे संवाददाता शहनवाज खान की ये रिपोर्ट आप देखें। इस समय BSF के जवान बॉर्डर पर दिवाली मना रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बाकायदा पटाखे जो हैं वो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, अनार यहाँ पर चलाए जा रहे हैं और फुलझड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर चलाई जा रही हैं और अपने जो खुशी है उसका इजहार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ज़रूर इनके घर वाले जो हैं वो इनके साथ यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये जो सारे यहाँ पर BSF के जवान हैं वो इसे ही अपना घर मानते हैं और इसी तरीके से यहाँ पर जो दिवाली है वो BSF के जवान यहाँ पर मनाते हैं। लेकिन दिवाली BSF के जवान यहाँ पर ज़रूर मना रहे हैं, लेकिन इसके बाद ये BSF के जवान जो हैं वो यहाँ पर बॉर्डर पर जाने वाले हैं और बॉर्डर पर यहाँ पर दिवाली जो है वो यहाँ पर मनाने वाले हैं। हमारे साथ कुछ जवान हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, मैं देख रहा हूँ कि आप सबके साथ यहाँ पर दिवाली मना रहे हैं, तो कितनी खुशी आपको है ये दिवाली मनाने की और क्या सोचते हैं इस समय आप यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, ये सारे मेरे भाई बहन हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है इनके साथ दिवाली मनाते हुए। जैसे हम अपने परिवार में खुश होते हैं ऐसी हमें यहाँ खुशी है कोई। लेकिन दिवाली का मौका जब होता है तो घर वालों की बहुत याद आती है और खास तौर पर जब पटाखे चलाते हैं, तो किस किस की आपको इस समय याद आ रही है? मेरे भाई हैं, भाइयों के साथ में बचपन में जो दिवालियाँ मनाते थे तो बड़े पटाखे चलाते थे हम लोग, मैं उनको मिस कर रहा हूँ। दोनों भाइयों को बड़ी याद आती है, कोई भी त्यौहार होता है तो घर वालों की याद तो आती है, मम्मी पापा भाई बहन, ये तो क्योंकि इनके इनसे ही तो है सब कुछ। लेकिन अभी यहाँ जैसे जिसने हमें जैसी जिम्मेदारी दी है तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जिम्मेदारी निभाते हैं। आप मुझे बताइए कि आप किस तरीके से दिवाली जो अपने घर में मनाते थे तो कैसे मनाते थे घर में और किसकी याद आ रही थी आपको? घर में तो सर हम अच्छे से मनाते हैं दिवाली। किसकी याद आ रही है, किसकी याद? मुझे सबसे ज्यादा मेरी बच्ची की याद आ रही है जो 4 साल की है, उसको ज्यादा मिस कर रही हूं। वो उसके साथ अगर आप होते तो उसके साथ ही दिवाली मनाते? हाँ सर, मैं उसके साथ ही दिवाली मनाती घर में होती तो। लेकिन आपको खुशी होती है देश के लिए आप यहाँ पे खड़े हैं? सर मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मेरे पापा का सपना था फोर्स में ज्वाइन करने का, जो मैंने पूरा किया है। मेरे पापा को बहुत प्राउड होता है मेरे पे, इसलिए मुझे भी अच्छा लगता है सर। तो आप देख सकते हैं ये है BSF की महिला जवान, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब ये जो BSF की महिला जवान जो है वो बॉर्डर पर तैनात होती है और आप समझ सकते हैं कि इनके परिवार घर पे है, इनके बच्चे घर पे है, लेकिन बावजूद इसके ये हमारे लिए और आपके लिए यहाँ पर बॉर्डर पर तैनात है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। और दिवाली के इस खास मौके पर सीमा पर तैनात जवानों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। घर से दूर हैं लेकिन खुश हैं। इस समय हम इंटरनेशनल बॉर्डर पर यहाँ पे मौजूद हैं और आप इन दियों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर BSF के जवानों के साथ यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट करने यहाँ पर आए हैं। लेकिन BSF के जवान यहाँ पर बॉर्डर पे बैठ के किस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, किस तरीके से अपने घर को याद करते हैं और क्या क्या वो यहाँ पर बैठ के सोचते हैं, वो इन जवानों से ही हम आपकी बात करा देते हैं। आप मुझे बताइए कि दिवाली का मौका है, पहले तो कौन सा गाना आपको याद आ रहा है जो आप सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए?
सर गाना गुना गाना इतना आता नहीं है, थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ दिवाली के मौके पर, खास नहीं है लेकिन एक दो देशभक्ति का गाना है वो जरूर जरूर। है प्री जहाँ की रीत सदा, है प्री जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्री जहाँ की रीत सदा। जब याद आती है घर वालों की तो वो गाना तो जरूर आप गुनगुनाते होंगे, संदेश आते हैं जरूर। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है ये पूछे जाती है, के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, के तुम भी नहीं है घर, सुना सुना है। अब क्योंकि आप घर से बहुत दूर हैं, सारी चीजें हैं, एक आखिरी है क्या गाना अपने घर वालों को डेडिकेट करना चाहिए, घर वालों को क्या बोलना चाहोगे घर वालों के? बस हो गया, हो गया। घर वालों को यही मैसेज है कि दिवाली मनाइए सर खुशियों से, हम भी यहाँ खुश हैं, ये मौका सबको मिलता नहीं है, हमें मिला है तो इसमें हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और हमारे घर वाले भी हमें प्राउड फील करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हैं बीएसएफ के जवान, आप देख सकते हैं कि इस समय ये लोग सरहद पर हैं, इस समय भारत पाक सीमा पर तनाव जो है वो बहुत ज़्यादा है, बावजूद इसके इन बीएसएफ के जवानों के हौसलों में यहाँ पर कोई कमी नहीं है, और बीएसएफ के जवान अपने परिवार को तो दिवाली की मुबारकबाद दे ही रहे हैं, पूरे देशवासियों को भी दिवाली की मुबारकबाद दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, इंटरनेशनल बॉर्डर, जम्मू। बीएसएफ के जवानों ने मिट्टी के दिए जलाकर देश में शांति का पैगाम भी कुछ इस तरह से दिया, आप भी देखिए। बीएसएफ बॉर्डर पर आज दिवाली मना रहा है और इसी के लिए यहाँ पर दिए भी जलाए गए हैं, और किस तरीके से बीएसएफ के जवानों ने यहाँ पर दिए जलाए हैं वो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं, और ये एक एक दिया जो है वो यहाँ पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जो है वो जलाया जाता है, और ये दिए जलाने का मकसद बीएसएफ जवान क्यों जलाते हैं वो इन्हीं की जुबानी यहाँ पर सुन लेते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे दिए आपने यहाँ पर लेके आए हैं, ये जलाने का मकसद क्या, एक शांति का पैगाम देने का? एक शांति का पैगाम है, और हमारा ये फेस्टिवल है कि दीपावली पर हम दिए जलाते हैं, तो और एक शांति का पैगाम ही है ये कि यहाँ पर उनको ये पता लगे कि इंडिया की तरफ त्यौहार मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है। लेकिन ये त्यौहार तो मनाया जा रहा है लेकिन बीएसएफ जो है वो डिफेंस भी उसी तरीके से कर रही है, उसको पता है दुश्मन सामने खड़ा है, तो डिफेंस तो है ही, डिफेंस है तभी तो हम इतने अच्छे से त्यौहार मना रहे हैं। अगर डिफेंस नहीं होता, हमारे बीच से बहुत से जवान बैठे हैं, ड्यूटी में बैठे हैं, डिफेंस में बैठे हैं, तभी तो इतने हमारा पूरा देश दीपावली का फेस्टिवल को मना रहा है। घर वाले घर पे हैं, आप लोग यहाँ पे हैं, मिस करते हैं घर वालों को? घर वाले कौन ऐसा इंसान है जो मिस नहीं करेगा, हर आदमी को दिल में ये लगता है कि मैं अपने बीवी बच्चों से बात करूं, उनके साथ में रहे। लेकिन देश पहले, देश फर्स्टली देश है तभी हम यहाँ खड़े हैं, और अपने ये हमारा एक परिवार है, ये जहाँ पर आपने देखा हमारे जितने जवान कितने अच्छे से दीपावली मनाई है, हमने मिठाइयाँ हैं, पटाखे चलाए हैं, हर चीज को हमने एंजॉय किया है, तो देश फर्स्ट है। तो आप देख सकते हैं ये इस समय जो बीएसएफ के जवान हैं वो यहाँ पर दिए जो हैं वो यहाँ पर जला रहे हैं, और ये मकसद इनका यही है कि ये दिए जलाकर पाकिस्तान को भी यही बोलने का मकसद है कि शांति जो है वो भारत यहाँ पर चाहता है, लेकिन अगर यहाँ पर पाकिस्तान किसी भी तरह की कोई हरकत करता है या फिर हमारे खिलाफ कोई साजिश रचता है तो उसको ये बीएसएफ के जवान माफ नहीं करेंगे, और करारा जवाब जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। बीएसएफ के जवानों ने इकट्ठा होकर भजन और कीर्तन मनाकर दिवाली को कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया। इस समय हम भारत पाक सीमा पर मौजूद हैं और आज दिवाली का दिन है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीएसएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी पे जाने से पहले और दिवाली सेलिब्रेट करने से पहले यहाँ पर भजन और कीर्तन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, और अलग अलग तरह की दुआएं और मुरादें जो हैं वो इस दिवाली के मौके पर यहाँ पर मांगी जा रही हैं। अमूमन जब भी दिवाली का मौका होता है तो ज़्यादातर बीएसएफ के जवान जो हैं उनको यहाँ पर बॉर्डर पे ही रहना पड़ता है, और वो अपने घर जो है वो नहीं जा पाते, लेकिन
बावजूद इसके बीएसएफ के जवान जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा रहते हैं और यहीं पर हर रोज पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर की जाती है, लेकिन जब दिवाली का मौका होता है तो सारे बीएसएफ के जवान एक साथ इकट्ठा होते हैं और इस मौके पर यहाँ पर जो दिवाली के लिए जो दुआएं हैं वो मांगी जाती हैं। कुछ जवान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से दिवाली पे हमेशा पूजा तो होती है, लेकिन इस दिन आप लोगों की पूजा कैसे खास होती है, आप सब लोग यहाँ पे कैसे पूजा करते हैं? हमें तो जो टाइम मिलती है उसी में अपना पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी हम आपस में भाई लोग हैं, ये भी हमारा एक परिवार है, परिवार को छोड़ के है तो यहाँ भी सेवा करनी है, इसलिए हम आपस में ही पार्टिसिपेट कर लेते हैं। और दिवाली के इस खास मौके पर मिठाई से मुंह भी मीठा करवाया जाता है। सीमा पर तैनात जवानों ने भी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दिवाली का त्योहार कुछ इस तरह से वो मना रहे हैं। दिवाली हो और मिठाई ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और आप देख सकते हैं कि इस समय बीएसएफ के जवान जो हैं वो यहाँ पर मिठाई जो है वो एक दूसरे को यहाँ पर खिला रहे हैं। अपने घरों से दूर जरूर हैं, लेकिन आप इनकी खुशी जो है वो इनके चेहरों पे यहाँ पर साफ देख सकते हैं, और ज़रूर यहाँ पर इस समय इनको अपने घर वालों की ज़रूर यहाँ पर याद आ रही है, लेकिन इन्हें पता है कि ये देश के लिए यहाँ पर खड़े हैं और दुश्मन जो है बिल्कुल इनके सामने खड़ा है, लेकिन बावजूद इसके खुशियों में यहाँ पर कोई कमी नहीं है। और दिवाली भी यहाँ पर मनाई जा रही है, पटाखे भी चलाए जा रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई जा रही है। आप मुझे बताइए, मिठाई आप खिला रहे हैं एक दूसरे को, तो मिठाई खिलाते हुए क्या 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 दिल में आ रहा है? खुशी का अनुभूति हो रहा है कि हम सीमा पे रहते हुए अपने परिवारों को दूर नहीं फील कर रहे हैं। हाँ जी। और मिठाई जो है, मिठाई कई चीजों की याद दिलाती है, तो क्या क्या याद दिला रही है आपको घर की? बस घर की यादें दिला रही है कि काश अब ये घर पे होते तो कुछ अलग तरीके से हम अपना दिवाली मनाते इस बार, लेकिन बट यहाँ पे रह रहे हैं बॉर्डर पे तो अपने देश के लिए कुछ अलग करने का जज्बा लेके आए, तो फिर लेकिन खुशियों में तो कोई कमी नहीं है, खुशियों में कोई कमी नहीं है अभी तो। तो आप देख सकते हैं ये बीएसएफ के जवान हैं जो यहाँ पर इस समय दिवाली जो है वो यहाँ पर मना रहे हैं, और लगातार इस समय यहाँ पर बॉर्डर पर सेलिब्रेशन जो है वो यहाँ पर चल रहा है, लेकिन ये सेलिब्रेशन जो है वो कुछ समय का है, क्योंकि इसके बाद ये जो बीएसएफ के जवान हैं वो अलग अलग जगह पर यहाँ पर ड्यूटी के लिए जाने वाले हैं, और ड्यूटी पे जाने के बाद ये बीएसएफ के जवान वहां पर पूरी रात जो है वो रहने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार अलग अलग तरह की साजिशें जो हैं वो यहां पर रची जाती हैं, और इससे पहले कि अभी ये सेलिब्रेशन चल ही रहा था तो यहां पर बीएसएफ के जो जवान हैं उनके लिए यहां पे सीटी भी बजा दी गई है और उन्हें कहा गया है कि वो अब अपनी ड्यूटी के लिए यहां पर तैयार हो जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।